जी, मिस्टर राकेश कुमार जी, आपकी मदर हैं मिसेस प्रेम लता जी। जी तो बताएंगे आप क्या बीमारी उनको पता चला और कैसे ये शुरुआत हुई, थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए। डॉक्टर साहब, पिछले साल 2018 अक्टूबर में उनको स्टोमक में पेन हुआ, तो ऐसा लगा कि पानी भरा हुआ है। हम काला हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उन्होंने डायग्नोज किया कि इनको सीए ओवरी कैंसर है। हम वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ उनकी सर्जरी हुई। 6 महीने तक उन्होंने कीमो दिया, अप्रैल में लास्ट कीमो खत्म हुई थी। फिर उन्होंने 6 महीने ऑरल मेडिसिन पे रखा, 99% उन्होंने ठीक कर दिया था। लेकिन अब जब हमने उनको रिपोर्टिंग करी तो उसमें कैंसर फिर दोबारा से बढ़ा हुआ था। वो हमारे एक वेल नोन है नजफगढ़ में, उन्होंने हमें कृष्णा हीलिंग सेंटर कैंसर से बताया कि ये बहुत बढ़िया है, इसमें ट्रीटमेंट अच्छा कर। तो हमने इनसे कॉन्टेक्ट किया आप लोगों से जी। और 12 दिन की मेडिसिन में इतना बढ़िया रिस्पांस मुझे मिल रहा है कि जो एलोपैथिक में भी नहीं मिल सकता मुझे कभी भी। और अपनी वो रोटियां अब 2 दिन से वो खुद बनाने लग रही है, 10 दिन की मेडिसिन खा के। बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब वो बोल्डनेस अपना सारा काम कर रही है, और यूरिन और स्टूल वगैरह उनका बिल्कुल बढ़िया तरीके से पास हो रहा है, और भूख भी उनको प्रॉपर लग रही है। और ये सिर्फ 12 दिन में आपको इतना अच्छा रिस्पांस। और जो आपके डाइटिशियन ने चार्ट सजेस्ट किया था उनको हम फॉलो कर रहे हैं, अजीब भी डेली ले रहे हैं वो, और चकुंदर का सूप भी ले रहे हैं, उससे हीमोग्लोबिन भी हमें उम्मीद है कि उनका पूरा राइज कर। बहुत अच्छी बात है, बाकी यही हम आशा करते हैं कि और जल्दी पेशेंट की रिकवरी आए, बहुत जल्दी को बढ़िया से बढ़िया आपको रिपोर्ट मिले। हम इस सेंटर को रिकमेंड करेंगे सभी के लिए कि एक बार चांस जरूर लें, इस सेंटर पे आके अपने आप को डायग्नोज जरूर कर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।